किसी के दिल को दुखाना भी बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक जख्मी हो जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। पहली बार मुझे जिंदगी तब मुश्किल लगी जब मैंने जाना कि जिस बात पर रोना आ रहा है उस बात पर दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराना पड़ता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। उस मोड़ पर भी खड़ा कर देती है ये जिंदगी जहाँ चाहत तो होती है मरने की लेकिन मजबूरी होती है जीने की। चाहे अपनों के लिए सारी दुनिया से लड़ लेना, मगर कभी दुनिया के बातों में आकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि दुनिया कभी साथ नहीं देती, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। हर कोई चंदन तो नहीं कि सुगंधित कर सके, कुछ नीम के पेड़ भी हैं जो सुगंधित तो नहीं करते लेकिन काम बहुत आते हैं। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं पर मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ अच्छा बनने के लिए मैंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बू आती हो। आपको जो गलत समझता है वो आपको मरते दम तक गलत ही समझेगा, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है नज़रिए का नहीं। जो तुम्हारा जितना है तुम भी उसके उतने ही रहो। ज़्यादा दिल की गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले जीने की आदत डाल लो, यहाँ लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ेंगे, उम्मीद तोड़ेंगे, साथ देने का दिलासा देंगे, मगर साथ कोई भी नहीं निभाएगा। किसी की फितरत नहीं बदल सकते आप। प्याज को प्यार से भी काटो तो आंसू निकल ही आते हैं। बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वो है जो पास होता है और समझता वो है जो खास होता है। कहते हैं कि झूठी कसमें खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हाँ, कोई मरता तो नहीं लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। भूख तो रिश्तों को भी लगती है। वक्त और प्यार अगर नहीं परोसोगे तो जल्दी ही ये खत्म हो जाएंगे। ढूंढा करोगे हर किसी में, देखना वो मंजर भी आएगा, हम याद भी आएंगे और आंखों में समंदर भी आएगा। अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना यकीनन इंसान को अंदर से मार देता है। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी के लिए खास है तो खुद को एक थप्पड़ मारिए और होश में आइए। लगाव और इच्छाएं इंसान को थका देती है, बाकी इंसान तो बड़ा ही मजबूत होता है। खुद गर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है, जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का है। यह बुरे दिन भी अच्छे ही होते हैं, दिखा देते हैं कि अपने कैसे होते हैं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाना, लेकिन किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाना, क्योंकि जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो किसी और को धोखा देकर आपके पास आया है। इंसान वक्त उसी को देता है जिसे वो देना चाहता है, बाकी सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जहाँ स्ट्रगल नहीं होती वहाँ सक्सेस भी नहीं होती है। जबरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। जब आप बिना किसी शक के किसी पर भरोसा करते हैं तो अंत में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, जीवन भर के लिए एक साथी या जीवन भर के लिए एक सबक। गलतियां कीजिए क्योंकि वो तो सबसे होती है,
कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होना शुरू हो जाता है। कुछ शिकायतें बनी रहे तो बेहतर है। चाशनी में डूबे रिश्ते कभी वफादार नहीं होते। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी न भूल पाओगे। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिससे उम्मीद हो अगर वो ही दिल दुखा दे, पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ समझते हैं। प्यासी जमी थी, लहू पिला दिया, वक्त का कर्ज था उसको चुका दिया। मैंने बोला था एक चिराग जलाने को, आपने उसी बहाने मेरा घर जला दिया।